हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं वापस आ चुका हूं और ट्रू स्टोरी मिनी मैराथन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी के बारे में, जो कि सन 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को टोबे हूपर ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म काइंड ऑफ एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कई सीक्वल्स भी बनाई गई है और इस वीडियो में मैं आप सभी को द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी की कहानी बताते हुए इससे जुड़ी सच्ची घटनाओं पर भी प्रकाश डालूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नयन और दीक्षा का, क्योंकि नयन ने इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट मुझे लिख कर दी और दीक्षा ने उस स्क्रिप्ट को फिल्टर आउट किया। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी की पहली सीन में हमें एक बहुत ही डिसफिगर्ड बॉडी दिखती है और एक न्यूज़ एंकर द्वारा हमें पता चलता है कि टेक्सास में ग्रेव रॉबिंग की केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये सिंपल ग्रेव रॉबिंग के केसेस नहीं थे, क्योंकि ये ग्रेव रॉबर्स मुर्दों के बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये देखकर दफनाए गए लोगों के रिलेटिव्स डर के कारण टेक्सास में आकर अपने मरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की खबर लेने आ रहे थे। इन्हीं लोगों में से पांच दोस्त सैली, फ्रैंकलिन, कर्क, पैम और जेरी थे। पहले सीन में हमारा परिचय होता है फ्रैंकलिन के साथ। फ्रैंकलिन पैराप्लेजिक था, यानी वो अपने वेस्ट से नीचे कुछ भी फील नहीं कर सकता था, और वो सैली का भाई था। वो लोग एक वैन में होते हैं जहां पैम एक एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ रही होती है और वो बोलती है कि प्लैनेट्स अपना दिशा चेंज कर रहे हैं और एक इन्फीरियर पोजीशन में जा रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है और उनके साथ शायद कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बातों पे उसके दोस्त हंसने लगते हैं और ये बात मजाक में उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि ये पांच लोग वहाँ सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर के ग्रेव को चेक करने आए थे। वो जल्दी ही एक ग्रेवयार्ड में पहुँच जाते हैं जहाँ सैली अपने ग्रैंडफादर के बारे में किसी से पूछ रही थी, जो उसको शेरिफ से पूछने बोलता है। उसी सीन में हमें पता चलता है कि सैली और फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर का कब्र सही सलामत था। तो वो लोग वहाँ से निकलते हैं और उनका वैन जल्द ही एक स्लॉटर हाउस क्रॉस करता है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन को अपने अंकल की याद आती है। फ्रैंकलिन के अंकल उसी स्लॉटर हाउस में काम किया करते थे और फ्रैंकलिन बताता है कि वो अपने अंकल के साथ कई बार वहाँ बचपन में गया था। वो अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा था कि उन दिनों आखिर कैसे लोग कैटल्स को मारा करते थे। इसी दौरान जेरी को रास्ते में एक हिचहाइकर यानी सहयात्री मिलता है और ये लोग उसे अपने वैन में जगह देते हैं। हिचहाइकर को देखने से ही पता चलता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो देखने में पूरा सनकी लग रहा था और ये बात सभी लोग नोटिस कर रहे थे। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि हिचहाइकर का भाई भी स्लॉटर हाउस में काम करता था। बात करते करते फ्रैंकलिन एक छोटी नाइफ निकालता है जिससे वो खेल रहा था और अचानक वो हिचहाइकर उस नाइफ को फ्रैंकलिन से छीन लेता है। फिर वो अपने हथेली में उसी नाइफ से कट मारता है जिससे उसके हाथ से काफ़ी खून निकलती है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो लोग उसे नाइफ लौटाने बोलते हैं। तो नाइफ लौटाने के बाद हिचहाइकर फ्रैंकलिन को कुछ स्लॉटर हाउस में लिए पोलराइड पिक्चर्स दिखाता है और फिर अचानक से वो कैमरा निकालकर फ्रैंकलिन की फ़ोटो लेने लगता है। नॉट ओनली दैट, वो फ्रैंकलिन को उसी की तस्वीर $2 में बेचने की कोशिश भी करता है। फ्रैंकलिन तस्वीर खरीदने से एकदम मना करता है और ये सुनकर हिचहाइकर गुस्सा हो जाता है, जिसके परिणाम अनुसार वो पिक्चर को आग लगाकर जला डालता है। यह देखकर सभी लोग हिचहाइकर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसी भाग दौड़ में हिचहाइकर अपने रेजर से फ्रैंकलिन के हाथ में कट मारता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और ये पांच लोग हिचहाइकर को गाड़ी से धक्के मारकर उतार देते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद भी ये हिचहाइकर गाड़ी के पीछे दौड़ता है और वो अजीब अजीब से इशारे कर रहा था। तो इसके बाद ये पांच लोग एक गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात इस गैस स्टेशन के ओनर से होती है। ओनर बताता है कि अभी उसके पास फ्यूल नहीं है और फ्यूल टैंक कराने में अभी थोड़ा वक्त है। ये सुनकर पांचों निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकलिन को अपने पुराने घर की याद आती है और वो वहाँ की डायरेक्शंस इस गैस स्टेशन ओनर से पूछता है।
इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि गैस स्टेशन ओनर इन लोगों के उस घर की तरफ जाने से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो इन्हें अपने गैस स्टेशन पर रोकने की कोशिश भी कर रहा था। एनीवेज ये पांच लोग फ्रैंकलिन के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें अपने कार्ड पे खून से बना एक अजीब सा सिंबल दिखता है। ये सिंबल भी शायद उसी हिचहाइकर ने अपने खून से ही बनाया था, एंड फ्रैंकलिन वॉज रियली स्केयर्ड कि कहीं वो हिचहाइकर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच जाए। तो नेक्स्ट सीन में हम इन पांचों को घर एक्सप्लोर करते देखते हैं, जहाँ पैम और कर्क पास के पूल की तरफ नहाने के लिए जाते हैं। पूल की तरफ जाने के रास्ते में पैम और कर्क को एक जनरेटर की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं कि शायद उन्हें इस जगह पे अपने वैन के लिए कुछ फ्यूल मिल जाए, और इसीलिए ये दोनों पास वाले घर की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों, इस घर का मुख्य द्वार खुला था और कर्क इस घर के ओनर की तलाश में अंदर जाता है, एंड पैम वॉज वेटिंग आउटसाइड। अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, और अचानक वहाँ एक विशालकाय मास्क्ड मैन आता है, जो कि कर्क के सर पे स्लेज हैमर से कई वार करके उसे जान से मार डालता है। कर्क के काफी देर तक ना लौटने पे पैम उसे ढूंढते हुए उसी घर के अंदर जाती है, जहां उसे एक अजीब सा कमरा मिलता है। इस कमरे में ढेर सारी हड्डियां थी, जिनमें कुछ हड्डियां तो इंसानों की लग रही थी। यह देखकर पैम बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी वहां वो मास्क पहना हुआ आदमी पकड़ लेता है, एंड वो पैम को एक फिश हुक में लटका देता है। हम व्यूअर्स वहां कर्क की डेड बॉडी को देखते हैं, और ये मास्क्ड मैन एक चेन सॉ की मदद से इस डेड बॉडी के कई टुकड़े कर रहा था। इस मास्क्ड मैन का नाम था लेदरफेस। दूसरी तरफ हम सैली, फ्रैंकलिन और जेरी को आपस में बात करते देखते हैं, एंड दे वेर वेटिंग फॉर पैम एंड कर्क। फाइनली जेरी उन दोनों को ढूंढते हुए उसी जनरेटर वाले घर तक पहुंचता है, जहां लेदरफेस रहता था। जेरी को वहां कर्क की जैकेट दिखती है, जिसके कारण वो इस घर के अंदर जाकर यहां की छानबीन करने लगता है। जेरी को वहां एक फ्रीजर दिखती है, जिसके अंदर पैम का मृत शरीर था, और तभी वहां लेदरफेस वापस आता है, जो कि जेरी को एक चेन सॉ से मार गिराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन और सैली बेचैन थे, क्योंकि उनके दोस्त का कोई अता पता नहीं था, और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अब रात भी हो चली थी। सैली चाहती थी कि वो अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढे, लेकिन फ्रैंकलिन को वहीं वेट करना था। फाइनली सैली के जिद पर फ्रैंकलिन मान जाता है, और वो दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग भी लेदरफेस के घर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, और अचानक से फ्रैंकलिन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ उसी चेन सॉ की थी जो हमने लेदरफेस के हाथ में देखा था। जी हाँ दोस्तों, लेदरफेस वहीं पे था, और ठीक अगले क्षण वो चेन सॉ से फ्रैंकलिन को मार डालता है। यह देखकर सैली जोर जोर से चिल्लाती है और वहां से भागने लगती है। लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे भागता है, और ये एक काफ़ी लंबा चेस सीन था। भागते भागते सैली उसी गैस स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां सुबह इन पांच दोस्तों ने अपने वैन को गैस लेने के लिए रोका था। वहां पे गैस स्टेशन का ओनर सैली को अंदर बुला के बिठाता है। सैली पूरी तरह से शॉक में थी, और वो बार बार पुलिस को फ़ोन करने की सलाह दे रही थी, बिकॉज शी वॉज रियली स्केयर्ड कि लेदरफेस उसे भी मार डालेगा। ओनर बोलता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, और उनको गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये कहकर गैस स्टेशन ओनर सैली को वहाँ वेट करने के लिए बोलता है, और वो खुद एक गाड़ी लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब ये ओनर गाड़ी लेकर वापस आता है, तो उसके हाथ में एक रस्सी होता है। इतना ही नहीं, इस ओनर के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था, और इन चीज़ों को देखकर सैली काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। गैस स्टेशन ओनर सैली पे हमला कर देता है, और उस सीन के दौरान हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो भी लेदरफेस के साथ मिला हुआ था। ओनर सैली का हाथ बांध देता है, और वो उसके सर को एक बैग से कवर कर देता है, ताकि वो सैली को अपने गाड़ी में बिठाकर वापस लेदरफेस के घर ले जा सके। ओनर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे पूरे रास्ते सैली को एक रॉड से पीटना, अजीब अजीब सी बातें करना इत्यादि। तभी हम व्यूअर्स उसकी गाड़ी के सामने एक अनजान शख्स को देखते हैं। ये अनजान इंसान और कोई नहीं बल्कि वही हिचहाइकर था, जिसे हमने मूवी के शुरुआती सीन्स में देखा था। हिचहाइकर को देखकर ओनर गाड़ी रोक देता है, और वो गाड़ी से निकलकर हिचहाइकर को मारने लगता है। हिचहाइकर असलियत में लेदरफेस का ही भाई था, और वो लेदरफेस ही था जिसके बारे में हिचहाइकर फिल्म की शुरुआत में बता रहा था, सेइंग हिज ब्रदर वर्कड इन अ स्लॉटर हाउस। ओनर हिचहाइकर के ऊपर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो ग्रेवयार्ड के बहुत करीब पहुंच गया था। और इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में जो ग्रेव रॉबर्स के बारे में न्यूज़ बताया जा रहा था, वो रॉबर्स यही लोग थे। ओनर हिचहाइकर और सैली के साथ उसी घर में पहुंच जाता है, जहां सैली के बाकी दोस्त की हत्या हुई थी। घर
पहुंचने के बाद ओनर लेदरफेस को भी मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसने सैली को वहां से भागने का मौका दिया था। मीनवाइल हिचहाइकर सैली को अंदर ले आता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। वो सैली के सर में लगा कपड़ा उतार देता है और दोनों पागल भाई मिलकर सैली को डराने की कोशिश करते हैं। तभी गैस स्टेशन का ओनर आ जाता है और वो उन्हें ये सब बंद करने के लिए बोलता है और वो किसी ग्रैंडफादर को नीचे लाने को बोलता है। हिचहाइकर लेदरफेस की हेल्प लेकर ग्रैंडफादर को नीचे ले आता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ग्रैंडफादर का शरीर एक मुर्दे की तरह था एंड ही वॉज लुकिंग डेड। वो लोग ग्रैंडफादर को लाकर सैली के सामने बिठा देते हैं और ये देखकर सैली बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। इसी दौरान लेदरफेस सैली के हाथ खोलकर उसकी एक उंगली में चाकू से छोटा कट मारता है जिससे सैली की उंगलियों से खून निकलने लगता है। लेदरफेस सैली की लहूलुहान उंगली अपने ग्रैंडफादर के मुंह के सामने ले जाता है और सरप्राइजिंगली ग्रैंडफादर उसकी उंगली से निकल रहे खून को चूस के पीने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडफादर जिंदा थे लेकिन वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। ये सब भयावह दृश्य देखकर सैली एकदम से बेहोश हो जाती है। जब सैली को होश वापस आती है तो वो एक डाइनिंग टेबल के सामने बैठी हुई होती है अलॉन्ग विथ हिचहाइकर, गैस स्टेशन ओनर, ग्रैंडफादर और लेदरफेस। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सुनकर हिचहाइकर और लेदरफेस उसे मॉक करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सैली बार बार प्लीड करती है कि वो लोग उसे जाने दे लेकिन ओनर ऑर्डर करता है कि हिचहाइकर सैली को जान से मार डाले। हिचहाइकर ओनर से बोलता है कि सैली को मारने का मजा ग्रैंडफादर को लेने दिया जाए और इस बात से सभी लोग सहमत थे। लेदरफेस एक हथौड़ा लाता है और बाकी लोग सैली को उठाकर ग्रैंडफादर के सामने बिठा देते हैं। लेदरफेस हथौड़ा ग्रैंडफादर के हाथ में थमा देता है और वो सब ग्रैंडफादर को सैली को मारने के लिए उकसाते हैं लेकिन ग्रैंडफादर बहुत वीक होने के कारण हथौड़ा गिरा दे रहे थे और लेदरफेस बार बार हथौड़ा उठाकर उनके हाथ में दे देता था। इसी दौरान सैली को एक मौका मिलता है और वह हिचहाइकर को धक्का देके वहां से भागती है। हिचहाइकर और लेदरफेस उसका पीछा करते हैं और काफी चोट लगने की वजह से सैली ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। हिचहाइकर उसे पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक अनजान ट्रक वहां आके हिचहाइकर को कुचल देती है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो सैली को देखकर उसे ट्रक के अंदर बैठने को बोलता है लेकिन वो लोग अभी निकल नहीं पाते हैं क्योंकि बाय नाउ लेदरफेस उस ट्रक तक एक चेन सॉ लिए पहुंच चुका था। यह देखकर ट्रक ड्राइवर और सैली दोनों ट्रक से नीचे कूदकर भागने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से एक रेंच उठा लेता है और लेदरफेस के पास आते ही वो उसके सर पर रेंच फेंक कर वार कर देता है। इस हमले से लेदरफेस नीचे गिर जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो अपने खुद के चेन सॉ को अपने पैर पर गिरा लेता है जिससे उसके पैर पर थोड़ी कट आती है। लेदरफेस फिर से उठ जाता है और वो सैली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी अचानक इस सीन में एक लगेज कार आती है और कार का ड्राइवर सैली को इस हाल में देखकर अपनी कार स्लो करता है। सैली फौरन ही उस कार के पीछे वाले लगेज कार्ट में बैठ जाती है और वो कार वाला सैली को लेदरफेस से बचाते हुए तुरंत ही कार को भगा लेता है। फिल्म की लास्ट सीन में हम लेदरफेस को फ्रस्ट्रेट होकर अपने चेन सॉ को हवा में इधर उधर चलाते देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेक्सस चेन सॉ मैसेकर मूवी की पूरी कहानी और अब मैं आप सभी को इसकी ट्रू स्टोरी से रूबरू कराऊंगा। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि ये मूवी काइंड ऑफ सच्ची घटना पर आधारित है क्योंकि इस मूवी की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होने वाली बात को लेकर कई कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कुछ बोलते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक किलर से इंस्पायर्ड है और मूवी में दिखाए गए बाकी कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं। इतना ही नहीं, मूवी की पूरी प्लॉट भी एक मनगढ़ंत कहानी है। कई जगह तो ऐसे भी र्यूमर्स आए थे कि ये मूवी एक रॉबर्ट एल्मर क्लीसन नामक किलर पे बेस्ड है जिसने दो लोगों को एक बैंडसॉ से 1974 में मारा था, लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि ये बैंडसॉ वाली इंसिडेंट इस मूवी के रिलीज होने के एक महीने बाद हुई थी। अब इस मूवी की जो एक्चुअल इंस्पिरेशन है वो लेदरफेस कैरेक्टर का था, विच वॉज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर नेम्ड एड गीन। हालांकि एड गीन चेनसॉ से लोगों की हत्या नहीं करता था लेकिन वो अपने फेस पे स्किन मास्क जरूर लगाता था। बचपन में एड गीन काफी चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ था और तभी से वो थोड़ी अजीब तरह की बिहेवियर्स दिखाता था। एड का एक भाई हेनरी भी था और इन दोनों की मां ऑगस्टा उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती थी। वो उन्हें बोलते थे कि ये लोग इतने बुरे और भद्दे हैं कि इन्हें अपने जीवन में कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। 4 साल बाद हेनरी की एक मिस्टीरियस फायर एक्सीडेंट में डेथ हो गई और लोगों का मानना है कि इस फायर एक्सीडेंट में एड का हाथ था।
इस घटना के कुछ दिन बाद एड की माँ भी चल बसी। अब एड अकेला रहने लगा था और वो हमेशा कैनिबलिज्म या नाज़ी से रिलेटेड बुक्स पढ़ता था। नाउ तकरीबन 10 साल बाद एक हार्डवेयर ओनर के मिसिंग केस में एड की घर की तहकीकात हुई और इस छानबीन में उस पुलिस को हार्डवेयर ओनर की लाश एड के घर में मिली। इतना ही नहीं, एड के पूरे घर में ह्यूमन स्किन से बनाई हुई वस्तु दिख रही थी, जैसे चेयर्स कवर्ड इन ह्यूमन स्किन, डस्टबिन मेड ऑफ स्कल इत्यादि। इसके अलावा एड के पास कुछ ड्रेसेस, लेगिंग्स और मास्क भी थे जो कि लड़कियों के स्किन से बनाए गए थे। द टेक्सास चेन्सो मैसेकर मूवी का कैरेक्टर लेदरफेस एड गीन के ही कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। ऐसा माना जाता है कि एड के घर में 15 से भी ज्यादा लड़कियों की डेड बॉडीज मिली थी। दोस्तों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एड की ट्रू स्टोरी पे आधारित दो और फिल्में बनाई गई हैं, जिनका नाम है साइको और साइलेंस ऑफ द लैम्स। तो अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय हम तक कमेंट सेक्शन के द्वारा पहुंचाइए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।